अभी किचन में देखते हैं मम्मी क्या बना रही है। और किचन में बनी है रायता बना है, और इधर रोटी है, और इसमें बनाई है मम्मी ने हरी सब्जी। तो फिर अभी हम लोग फटाफट से खाना पीना खाते हैं, और फिर इसके बाद जाना है हम लोगों ने मार्केट। तो फिर फटाफट से हम लोग खाना पीना खा लेते हैं। तो फिर अभी हम लोग हो गए हैं रेडी मार्केट जाने के लिए, और अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। तो फिर अभी हम लोग चलते हैं मार्केट। मार्केट में हमको कुछ काम है, कुछ सामान लेके आना है। और अभी आप यहाँ का मौसम देख सकते हैं, एकदम मस्त खिलती हुई धूप आ रखी है और एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है। कल तो थोड़ा कोहरा लगा हुआ था, आज एकदम अच्छी वाली धूप आ रखी है, बढ़िया वाली। तो हमारा डुग्गू बेबी यहाँ पर बैठा हुआ है मस्त तरीके से, और हमारी सोनी यहाँ बैठी है। सोनी बाय भाई सोनी। तो फिर अभी हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मंडी में, और यहाँ से फ्रूट्स लेने हैं। तो देखते हैं अभी क्या क्या लेते हैं। और यहाँ पर को अंगूर भी हैं, संतरे भी हैं, कीनू। और अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं घर को। तो सामने पे है सिंधी चौराया, तो यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे घर को। और यहाँ पे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, ट्रैफिक सा हो रखा है। तो फिर अभी हमको शाम को भी जाना है दिल्ली को। तो फिर अभी हम लोग फटाफट से घर जाके सामान भी पैक करना है। और अभी अभी हम हम लोग लोग पहुंच पहुंच गए गए कालू कालू साई साई मंदिर मंदिर पे। पे, तो यहाँ और पर अभी देख यहाँ सकते पर हैं कि हम यहाँ मंदिर पे की को तरफ कालू ही साई निकल मंदिर है। गए फिर इसके बाद चलते हैं आगे हम को हॉस्टल का लेंगे अब डिस्कशन। सफर को मिठाई। तो कंटिन्यू। यहाँ पर से हमने ले लिया सती के यहाँ पर से मिठाई। तो फिर अब अंदर चलते हैं मिठाई लेने के लिए। अभी हम लोगों ने सामान वगैरह ले लिया है, अब हम चलते हैं सीधे आगे को। अभी आपको कुछ और लेना है? अच्छा, तो अभी हम लोग अभी सीधे चलेंगे घर, और वहाँ जाके हमने तैयारी करनी है, पैकिंग वगैरह करनी है हमने अभी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं आईटी ऑफिस में, और यहाँ पर से भी हमने लेने बेकरी वाले बिस्किट। तो यहाँ पर मिलते हैं थोक के रेट में बिस्किट। तो यहाँ पर से भी हम लोग कुछ बिस्किट उठाएंगे जो काफ़ी टेस्टी होते हैं यहाँ पे को। तो अभी हम लोग यहाँ पर को दिखा रहे हैं आपको दुकान, यहाँ पे को बहुत अच्छे और टेस्टी बिस्किट मिलते हैं। तो फिर अभी मैं आ गई हूँ पार्लर से। तो पार्लर में थोड़ा बहुत थ्रेडिंग वगैरह बनाई, तो अभी मैं अपने बालों में थोड़ा सा तेल लगाती हूँ, और नहाया नहीं है मैंने अभी तक। तो अभी मेरे सिर में गोकुल जी मस्त तरीके से तेल लगाएंगे। अभी हम मार्केट से भी आ गए, मार्केट से तो अभी आपको हम थोड़ी देर में अपना सामान दिखाएंगे कि हम गोकुल जी के लिए क्या क्या लेके आए थे। तो चलो फिर अभी हम लोग पहले सिर में तेल लगाते हैं जल्दी से। यहाँ पे वो मेरे बालों में लगाई जा रही है तेल, मालिश करना अच्छी वाली है, मेरे बाल मत तोड़ना फिर। और अच्छी वाली मालिश हो रही है, यहाँ से मेरा तेल जो है बह गया है। अभी हमारे वहाँ खाने में बना है, मम्मी ने बना रखे हैं चावल और राजमा। राजमा है दिखाई हो जरा, और ये है राजमा जो कि एकदम मस्त वाली खुशबू आ रही है। आहा, भूख भी लग गई, तो फटाफट से हम लोग खाना पीना खाते हैं। और देख सकते हैं हमारी राजमा, मम्मी ने एकदम मस्त वाली धनिया भी डाल रखा है इसमें, हरा धनिया, जो काफ़ी टेस्टी टेस्टी है। खुशबू तो बहुत भयंकर आ रही है इसकी। अपने के लिए गोकुल जी लेके आए हैं जूते, और दोनों दोनों ने जूते पहन रखे हैं। एक ने उस पैर में पहन रखा है, एक ने उस पैर में पहन रखा है, और दोनों जने एक एक पैर मिला के जो जूता पहन रखे हैं। अच्छे लग रहे जूते, दिखाओ, मस्त लग रहे हैं। जूते नहीं थे ना, 1 साल 1.5 साल से जूते भी नहीं खरीदे थे। क्यों नहीं है? चार जोड़ी जूते घर में, चार जोड़ी, चार नहीं पांच छह जोड़ी जूते हैं। 5 से जोड़ी है तो पुराने हैं ना फिर। अच्छा लग रहे हैं। तो बोलो आज आ रखा है का गोप्रो 12, गोप्रो 12 ब्लैक। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। मैंने थोड़ा सा तो पहले कर दिया, तो अब हम दिखाएंगे इसमें क्या क्या है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अब। और ये बुलबुल का ब्लॉगिंग के लिए गोप्रो। मेरा गोप्रो ये तो इसके कुछ कागज हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। ये QR कोड सब्सक्राइब के लिए। इसमें आया है एक चार्जिंग केबल और एक बैटरी। ये हेलमेट में फिक्स करने के लिए है ये स्टैंड। और ये है गोप्रो।
ये है ये छोटा सा यंत्र बुलबुल का। तो इसमें वीडियो बना के दिखाएंगे अब आपको कैसी वीडियो बनती है इसमें, ठीक है। फोन की क्वालिटी ज्यादा, अभी तक हम फोन में बना रहे थे, अब इसमें बनाएंगे, तो देखते हैं ज्यादा अच्छी वीडियो हमारे फोन की आती है या फिर GoPro की। एक बैटरी इसके अंदर भी है जो मैंने चेक करने के लिए पहले डाल दी थी, और एक बैटरी ये है। तो इसमें मैंने दो बैटरी मंगाई थी, एक बैटरी ये है इसमें ये, और एक बैटरी ये है, क्योंकि जब हम लॉन्ग जाएंगे तो वीडियो बनाने के लिए हमें दो दो बैटरियां चाहिए, तो एक ये है और एक ये। आज किचन में बन रहा है हमारे, वहाँ रोटी बन रही है, इधर रोटी बन रही है, और ये बनी है बिच्छू की सब्जी, और ये है पहाड़ी बिच्छू घास की सब्जी, मस्त होती है। तो ये देखिए एकदम चुपड़ा चुपड़ा सा होता है, इससे और इसको खाने से बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं दूर भी होती हैं। तो फिर अभी हम लोग खाना पीना खाते हैं, अभी हम लोग खाना पीना भी खाते हैं, और अभी हम लोग तैयार भी हो गए, और अभी हमने निकलना है दिल्ली के लिए, तो अभी हमारी पैकिंग वगैरह भी सब हो गई है, तो अभी टाइम हो गया है 7:30। चलो फिर अभी हम लोग फटाफट से खाना पीना खाते हैं, फिर हमने निकलना भी है, अभी मिलेंगे थोड़ी देर में। अभी हम लोग हो गए हैं रेडी जाने के लिए, और अभी हमारा सामान पैक हो गया, सुरु भाई भी तैयार हो गया है, तो अभी हम लोग निकलते हैं सीधे स्टेशन, रेलवे स्टेशन निकलेंगे, और अभी टाइम हो गया है हमारा 8 बज गए। तो चल भाई 9 बजे की तो ट्रेन है, यहाँ से वहाँ ऑटो भी नहीं मिलेगा, सबसे ज्यादा लेट इसने लगाई है। तो फिर अब हम बैग पकड़ेंगे, तो फिर अब हम बैग पकड़ेंगे फिर चलेंगे चले। तो फिर सूरज भाई ने आज देर कर दी हमारी, इसके चक्कर से हम हमेशा लेट होते हैं। तेरा गमछा कहाँ गया भाई, गमछा ला, गमछा। किसान, यूपी का किसान, कोमल दीदी बोलेगी यूपी का किसान, गमछा लेके। चलो फिर अब चलते हैं, मम्मी बाय बाय, मम्मी बाय। अभी हमारा डुगू बेबी भी यहाँ पर बैठा हुआ है, और हमारी सोनी, सोनी ले बाय, सोनी बाय डुगू। और अभी यहाँ का मौसम कुछ गड़बड़ गड़बड़ सा लग रहा है, और थोड़ा बहुत तेज ज्यादा हवा भी चल रही है, तो देखते फिर बारिश होती है नहीं होती है, कहीं हम लोग भीग ना जाए, हमारे पास तो छाता भी नहीं है, कैसे जाएंगे छाता। यहाँ देख सकते हो पूरा मौसम जो है बादल बादल जैसा हो रखे यार। बाय मम्मी, पापा कहाँ गए, पापा ऊपर चले गए पूजा करने, इसको देख सोनी को, सोनी सोनी, मम्मी को ही अच्छा मानता है, उसको पता है रोज दूध पिलाती है डुगू भी वो भी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट में, और यहाँ से आपका स्टेशन की ओर जाएंगे, फिर वहाँ से पकड़ेंगे अभी हम ट्रेन। अभी हम सबके सब जा रहे हैं अभी स्टेशन पे आप क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आज इनकी चेकिंग हो रही है GoPro से, वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं कैसा बन रहा करके। अभी हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन पे, और अभी हमारा टाइम है जो है सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ है, तो अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं अंदर को, और यहाँ पर को भी थोड़ा तूफान वगैरह चल रहा है, तो अभी 10 मिनट बचे हुए हैं, तो फटाफट से हम लोग अपने ब्लॉक में जाके खड़े हो जाएंगे, तो फिर उसकी ब्लॉगिंग स्टार्टिंग करेंगे ट्रेन के अंदर से। अभी हमारी ट्रेन जो है आने वाली है, बस 5 मिनट और बचे हुए हैं है? इधर से तो अभी यहाँ से हमारी ट्रेन आने वाली है बस थोड़ी देर में, तो बस सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं, और यहाँ आज स्टेशन में भी काफ़ी भीड़ हो रखी है, तो अभी बस ट्रेन आने वाली होगी हमारी। आज हम जा रहे हैं सबके सब बिट्टू के वहाँ, सीधे निकलेंगे अब यहाँ से दिल्ली को। अभी हमारी ट्रेन आ गई है, और बस अभी हम अपनी सीट ढूंढेंगे, तो अभी हमारी ट्रेन पहुँच गई है। और अभी हमारा डब्बा जो है मिल गया है, ये है S4 का डब्बा है, तो इसके अंदर हम चलते हैं, चले। अभी हमारी ट्रेन चलने लगी है, और अभी हम लोग निकल गए हल्द्वानी से, तो अभी
इसके बाद स्टेशन आएगा लाल कुआ, तो अभी वहाँ लाल कुआ में रुकेंगे थोड़ी देर, फिर वहाँ से चलेंगे सीधे रुद्रपुर की ओर। तो अभी हम लोग सब लोग बैठ गए हैं ट्रेन में, और यहाँ पे को बैठा है सुरु भाई, और यहाँ पे को बैठे हैं ये। तो हमारी सीट एक सीट ही सामने वाली है, एक सीट ऊपर वाली है। तो फिर अभी बाहर से एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अभी हम लोग बैठ गए हैं अपने अपने सीट पे, ये वाली सीट हमारी है, एक सामने वाली सीट है, सुरु भाई यहाँ बैठा है, और हमने अपने बैग वहाँ रखे हुए हैं उधर सूरज की सीट में, हमने अपने बैग रखे हुए हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर मस्त तरीके से बैठे हुए हैं और एकदम फुल एंजॉय कर रहे हैं मस्त। और यहाँ पे को बैठे हैं गोकुल जी एकदम मस्त तरीके से नींदारी है, और यहाँ पे को सुरु भाई नींदारी सुरु नहीं आ रही। अभी हम लोग पहुँच गए हैं गाजियाबाद स्टेशन में, तो अभी हमारी हालत देख सकते हैं कि हम सोई भी नहीं पूरे रात भर, और अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधे, आज जाएंगे हम कपिल लोगों के वहाँ तो अभी हम लोग चलेंगे कपिल लोगों के वहाँ, और यहाँ पर है गोकुल जी। कैसा लगा, नींद आई? नींद नहीं आई, पीछे बहुत बोल रहा है, पीछे कोई बोल रहा था तो इसलिए नींद नहीं आई। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं गाजियाबाद स्टेशन में पहुँचा, अब यहाँ से सीधे जाएंगे हम कपिल लोगों के वहाँ। अभी हम लोग पहुंच गए हैं कपिल लोगों की गली में, और अभी हमको कपिल लेने भी आ गया है, और आगे से चल रहा है कपिल, और इनकी इनके घर को जाना है। कितना दूर है भाई? हैं? गुड मॉर्निंग नहीं, कितना कितना दूर है? बस आ गया, अब थोड़ा सा दूर है, तो फिर अभी हम सीधे उनके घर चलते हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे। आप थक गए? नींद आ रही? मेरे को तो भयंकर नींद आ रही यार। हैं? हैं? घर में यहाँ पे को मिल गया भाई सचिन भाई, ये है सचिन भाई, कैसे हो? जीते रहे ना। चल भाई किसका हो रहा सोने का टाइम? कपिल तो रात भर जागा है, हैं कपिल? ओए कपिल रात भर जागा था ना तू? सोने का टाइम सचिन का। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बुआ के वहां, और ये है बुआ, और उधर उधर बैठे हैं फूफा जी। तो फिर अभी हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।